आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें एक रॉड दी गई है, इसका लेंथ L है, उस रॉड का मास M है, और साथ में ये कहा गया है कि उस रॉड के अंदर टू आइडेंटिकल बीड हैं, जिन दोनों का मास M है। अब ये दोनों बीड्स जो हैं, वो रॉड के अलावा फ्रीली स्लाइड कर सकते हैं, और शुरुआत में जब बीड्स रॉड के सेंटर पे होते हैं तो रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट दी हुई है। अब हमें फाइंड करना है कि जब वो बीड्स जो है वो रॉड के एंड पे पहुंच जाएंगे तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। पहले ओमेगा नॉट है वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी हम मानते हैं कि ओमेगा है। सो लेट फाइनल एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा। अब शुरुआत में बीट्स हमारी यहाँ पे थी, और फाइनली बीट्स हमारी यहाँ पे आ गई, तो हम इस कंडीशन में फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालें। तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में दी हुई है वो ये है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं लग रहा है। इसका मतलब है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। तो Li इज इक्वल टू Lf। तो Li हम कैसे लिखेंगे, तो Li इज इक्वल टू रॉड का एंगुलर मोमेंटम प्लस बीड का एंगुलर मोमेंटम। चूंकि बीड दो है, दोनों आइडेंटिकल है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू एल बीड। अब हम निकालेंगे रॉड और बीड का एंगुलर मोमेंटम अलग अलग, तो रॉड का एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, आई ओमेगा रॉड। इनिशियली क्या है, इनिशियली आपका ओमेगा ओमेगा नॉट है, और आई हमें पता है कि अगर कोई एक्सिस है जो रॉड के बीचों बीच जा रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है, तो उसके अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है। तो ये हमारी रॉड की एंगुलर मोमेंटम आ गई, और बीट की एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे, चूंकि हमने बीट को पॉइंट मास माना है, तो एम बीट की वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस आर। अब इनिशियल केस में, सॉरी इनिशियल कंडीशन में आर 0 है, तो एल बीट हो गया हमारा 0। आर 0 इसलिए है क्योंकि बीट्स आर एट सेंटर, तो सेंटर पे है, तो यानी आर इज इक्वल टू 0। तो एल इनिशियल हमारे पास फाइनली कितना आ गया, सिर्फ इज इक्वल टू एल रॉट, क्योंकि एल बी 0 है। तो एल रॉट कितना है, एम एल स्क्वायर बाई 12 में, ये एल आई है। अब हम निकालेंगे एल एफ, तो एल एफ के लिए भी यही हो जाएगा, एल रॉट प्लस 2 इंटू एल बीट्स। तो एल इसका मतलब एल रॉट को हम लिखेंगे एम एल स्क्वायर बाई 12, और यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये ओमेगा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एल बीट। 2 इंटू बीट का मास एम है, और वेलोसिटी मानते हैं वी है कुछ, और फाइनली जो है वो एंड पे है, तो उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ रॉड से क्या हो जाएगा, एल बाई 2, जहाँ पे एल जो है वो रॉड की लेंथ है। अब चूंकि ये रोटेट कर रहा था, हमारा जो रॉड था वो रोटेट कर रहा था ओमेगा वेलोसिटी से एट द एंड में, तो हम वेलोसिटी ऑफ बीट लिखेंगे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रॉड की इनटू जो डिस्टेंस है बीट का रॉड के सेंटर से, वो आर, यहाँ पे आर एल बाई 2 है, तो ओमेगा एल बाई 2। अब इस वी बीट को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा एल एफ इज इक्वल टू एम
ml square by 12 omega plus 2 m omega l by 2 into l by 2 is equal to ml square by 12 omega plus omega l square into m by 2. तो यहाँ पे क्योंकि external force नहीं लग रहा था और हम li is equal to lf कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे li जो कि है ml square by 12 omega naught is equal to lf जो कि है ml square by 12 omega plus small m omega l square by 2. अब हम दोनों sides को ml square by 12 से divide कर देते हैं, तो हम मिलेगा omega naught is equal to omega plus m by m omega और यहाँ पे आएगा 6. तो अब हम देख सकते हैं कि हम omega को अगर common ले लें plus 6 m by m आ जाएगा हमारे इधर और ये है omega naught. तो finally हमारा omega क्या हो जाएगा, omega हमारा हो जाएगा omega naught m into m plus 6 m. तो ये हमारा answer हो जाएगा. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.